नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से सीबीआई की गाज तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर गिरी है, अब उन पे संकट का पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब भाजपा के तमाम नेताओं का रिएक्शन आ रहा है। इसी में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी सम्राट चौधरी ने भी अपना बयान जारी किया है और अपने बयान में सीधा सीधा नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी जो भी सीबीआई की जाँच चल रही है और जिस तरीके से सीबीआई की गाज अभी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर गिरी है, तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार है। जी हाँ, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को पूछना चाहिए जनता यूनाइटेड दल से कि किस तरीके से उनके पास ये कागजात पहुंचे हैं। आखिर कागजात देने वाला है कौन, आपके तमाम नेता हैं या फिर नीतीश कुमार है? ये बड़ा आरोप बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर लगाया है। पहले आप ये सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। देखिए, इनको जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, ये कागज कहाँ से आया। तो कागज यदि जनता दल यूनाइटेड ने दिया तो फंसाने का काम दूसरा कैसे कर सकता है? इसलिए जनता दल यूनाइटेड से जाके पूछना चाहिए कि ये कागज आपने दिया तो भाजपा कैसे फंसा सकता। लालू जी को जेल में किसने रखा? 1996 में देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के लालू जी थे। अब बताइए उस समय कौन सरकार थी, सीबीआई को किसने लाया? देखिए, कागज देने वाले से पूछिए कि एविडेंस किसने दिया। वो तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दिया ना। नीतीश कुमार जी ने पूरे इस षड्यंत्र को रचने का काम किया और सबके खिलाफ। मैं तो 1996 से जेल रहा हूं नीतीश बाबू, रोज ही लोग राज्यपाल के यहां जाते थे, तो मैं तो जानता हूं नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी बरूपिया आपको नहीं मिल सकता है। बरूपिया इसलिए मैंने कहा नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू रोज अपना चोला बदलते हैं। लालू जी क्या कहते थे, सांप जो है अपना कवर छोड़ता है। उसी तरह लालू जी कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, एक एक बात लालू जी ने कहा है या उनके सहयोगियों ने कहा है। नीतीश जी साल दो साल में उनका मन भर जाता है, सहयोगी बदल लेते हैं, व्यक्ति बदल लेते हैं। एक आदमी देख लीजिए, पूरे जो जदयू है उस समता पार्टी का दौर हुआ था 94, एक आदमी भी नहीं बचा है जिसको पार्टी से निकाले नहीं, इंक्लूडिंग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कई राज्यसभा के सदस्य, सबको फंसाने का काम बिहार में एक व्यक्ति करते हैं, उसका नाम है नीतीश कुमार। पता तो होना ही चाहिए, जिसने फंसाया है उनको तो पता होगा ही ना, जिसने फंसाया है उन बेचारों को तो उनको तो पता होगा ही। एकदम ठीक कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी एकदम सही कर रही है, क्योंकि वही लोग तो फंसाए हैं। फंसाने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करते हैं बिहार में, और कोई दूसरा नहीं। फंसाकर उसको डराने का काम करते हैं। आप लगता है कि अपने लगातार नीतीश कुमार ये सब उम्मीद ही मैं नहीं करता हूँ। कोई नैतिकता राजद में हो ये सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो लालू जी को देख रहा हूँ, चार्जशीट जब तक वारंट नहीं आया तब तक उन्होंने पद नहीं छोड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी आपका क्या रोल है? आपने ही लालू जी को फंसवाया और आपने ही तेजस्वी यादव को फंसवाया।
देखिए सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है और उन्हें बहरूपिया बताया है और ये कहा है कि वो साल दो साल में अपना चोला बदलते हैं, जब उनका मन भर जाता है तो वो दूसरे दलों में चले जाते हैं। अब इसी के बाद बता दें कि मृत्युंजय तिवारी यानी जदयू के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब भी भाजपा पर कोई गाज गिरती है या फिर उन्हें कोई डर सताने लगता है कि उनकी पार्टियां कमज़ोर हो रही है तो वो अपने एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और उसमें लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी को लेकर अपना जो रिएक्शन दिया था उसी का कहा जाए तो पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने यह आरोप लगाया है और जिस तरीके से वो अपने एजेंसियों को यूज़ कर विपक्षी दलों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा होने वाला नहीं है। कहा जाए तो पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने यह आरोप लगाया है और जिस तरीके से वो अपने एजेंसियों को यूज़ कर विपक्षी दलों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्षी एकता की जो कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की है इसका असर आगामी चुनाव में उन्हें साफ दिखने वाला है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल TD News के साथ।